ज्यादा की सियासत से जुड़ी जो पशुपेश बना हुआ था मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर, अब सूत्रों के हवाले से एक खबर मिल रही है कि सिद्धरमैया के सिर ही कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री का ताज सजेगा। बिल्कुल, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री हो सकते हैं सिद्धरमैया। आलाकमान से सिद्धरमैया का नाम फाइनल हो चुका है, अभी बस ऐलान होने का इंतजार है, औपचारिक ऐलान का इंतजार है। लेकिन उससे पहले सूत्रों के हवाले से जानकारी ये मिल रही है कि सिद्धरमैया जो है कर्नाटक के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। 13 मई को रिजल्ट सामने आया था, भारी बहुमत के साथ कांग्रेस ने वहां पर सरकार बनाई थी, लेकिन पशुपेश की स्थिति बनी हुई थी लगातार। ऐलान भले ही अभी ना हुआ हो, लेकिन बेंगलुरु में सिद्धरमैया के घर के बाहर जश्न शुरू हो गया है और पोस्टर लगाए गए हैं। अरुण हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए, उनका रुक कर लेते हैं। अरुण, सिद्धरमैया नाम फाइनल होता दिखाई दे रहा है, सूत्रों के वाले से खबर मिल रही है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, निश्चित रूप से सिद्धरमैया दौड़ में आगे पहले से चल रहे थे और सिद्धरमैया को मुख्यमंत्री बनाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा है, अगर कोई अप्रत्याशित घटनाक्रम नहीं होता, जिसकी उम्मीद बेहद कम है। इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं, 10 जनपद सोनिया गांधी का निवास है, लेकिन राहुल गांधी अपना बंगला खाली करने के बाद यहीं रह रहे हैं, तो यहीं पर सिद्धरमैया से उनकी मुलाकात हो चुकी है। लगभग 20 से 30 मिनट के बीच उनकी मुलाकात चली है। अब डीके शिवकुमार का इंतजार किया जा रहा है, वो भी यहां आएंगे। कोई भी फार्मूला, कोई भी अनाउंसमेंट बिना डीके के राहुल गांधी से मुलाकात और बात के नहीं होगा, ये तय है। उनसे बात किए बिना कोई फार्मूला नहीं अनाउंस किया जाएगा। हाँ, ये बात जरूर है कि सिद्धरमैया दौड़ में आगे हैं, ये बात भी सही है कि उनको मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर पार्टी में ज्यादा विधायक उनके समर्थन में है और पार्टी भी चाहती है। लेकिन क्या उनको 2-2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाया जाए और बाद में बैटन डीके शिवकुमार को सौंप दी जाए, जिसके लिए शिवकुमार शुरुआत में तैयार नहीं थे, क्योंकि वो सचिन पायलट और टीएस सिंहदेव दोनों की हालत देख रहे हैं कि वो पोस्ट टू पिलर दौड़ते हैं लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती। बघेल भी मुख्यमंत्री बने हुए और अशोक गहलोत भी। तो सवाल यह है कि डीके शिवकुमार को मनाएगा कौन? बड़ी बात यह है कि डीके शिवकुमार किन शर्तों के साथ मानेंगे। जो सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि सोनिया गांधी जो कुछ भी कह देंगी, डीके शिवकुमार उसको स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि डीके शिवकुमार उनको बहुत मानते हैं और कह भी चुके हैं कि सोनिया गांधी उनके माँ की तरह है और जो भी फैसला करेंगी वो स्वीकार होगा और जानती है कि बेटे को माँ क्या दे सकती है और क्या उसको चाहिए। डीके शिवकुमार के कहने पर सोनिया गांधी 2 बार कैंपेन करने गई। डीके शिवकुमार सोनिया गांधी के बीच इतने अच्छे संबंध है कि पार्टी उन्हीं पर निर्भर कर रही है। वो अभी शिमला में है, उनसे क्या फोन पर बात करा के डीके शिवकुमार को समझाया जाएगा या राहुल गांधी उनको संदेश देंगे, ये अभी जब बैठक होगी उसके बाद तय होगा। लेकिन जो मोटा मोटी वो ये, सिद्धरमैया का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय है राजनीति में, अगर कुछ अप्रत्याशित न हो तो। बिल्कुल, और यही स्थिति जो है 2013 में भी अरुण बनती हुई नजर आई थी, जब हमने देखा था कि मुख्यमंत्री की रेस को लेकर 2 प्रमुख दावेदार निकलकर सामने आ रहे थे, मल्लिकार्जुन खड़गे और सिद्धरमैया, लेकिन तब भी सिद्धरमैया का जो पलड़ा है वो भारी होता हुआ नजर आया। लेकिन प्रमुख वजह, अगर मैं पूरी की पूरी बातों की अगर बात करें, तो क्या कुछ प्रमुख वजह सिद्धरमैया के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है? क्योंकि शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर तो बातचीत चल रही है, लेकिन 2 राज्यों में वो सफल नहीं हो पाया है, तो ऐसे में प्रमुख तौर पर कांग्रेस आलाकमान सिद्धरमैया के पक्ष में क्या कुछ देख रहा है? देखिए, सिद्धरमैया की क्या मजबूरी है और क्या मजबूती है, दोनों बातें मैं बता रहा हूं आपको। मजबूती उनकी क्या है, वो ओबीसी समाज का वोट बैंक बड़ा चंक लेके अपने साथ चलते हैं, बहुत लोकप्रिय हैं। उनकी रैलियों में देखिए, रोड शो में देखिए, उनके कार्यक्रम में भीड़ बुलानी नहीं पड़ती, लोग अपने आप आते हैं। प्रशासनिक अनुभव है, 5 साल वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लगभग 13 साल वित्त मंत्री रह चुके हैं, वो बहुत पुराने नेता, उनको बहुत अनुभव है। कहते हैं कि उनको आंकड़े मुंहजबानी याद होते हैं, राज्य की वित्तीय स्थिति के बारे में प्रशासनिक अनुभव है। कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा उनको लेके नहीं हुई है, ये उनकी मजबूती है। मजबूरी क्या है, मजबूरी है कि मैनेजमेंट बहुत अच्छा उनका नहीं है, उनके पास संसाधन उतने नहीं है जितने डीके शिवकुमार के पास है। डीके शिवकुमार की क्या मजबूती है, पार्टी को मुश्किल केरल में हो, पार्टी को मुश्किल महाराष्ट्र में हो, विधायक टूटने से बचाने हो गुजरात के, उन सब काम में माहिर है। मैनेजर अच्छे हैं, संसाधन उनके पास है, टीम अच्छी है, जमीन पर पकड़ रखते हैं, काम करते हैं, मुश्किल हालात का सामना कर सकते हैं। लेकिन कमजोरी क्या है, ईडी के केसेस हैं। क्या किसी मुख्यमंत्री को कोई जांच एजेंसी बना बुला करके समन करके पूछताछ करे या उनको हिरासत में ले लिया उनको जेल भेज दे, जैसे कि वो तिहाड़ जेल जा चुके हैं एक बार, तो क्या किसी पार्टी के सीएम चेहरे के साथ अगर ऐसा होता है तो पार्टी का जो रसूख है या उसका जो परसेप्शन है क्या वो खराब नहीं होता है? क्या आप 2024 की लड़ाई ऐसे चेहरे पर लड़ सकते हैं? ये तर्क दिया जा रहा है सिद्धरमैया की तरफ से। डीके शिवकुमार क्या कह रहे हैं, सिद्धरमैया को आपने एक बार मुख्यमंत्री बना दिया, दोबारा फिर मुख्यमंत्री बना रहे हैं, हमने जो मेहनत की है उसका क्या? 135 विधायकों में कोई बहुत ऐसी संख्या नहीं कि 100 विधायक हैं सिद्धरमैया के साथ और 35 हैं डीके के साथ, इतना बड़ा फासला भी नहीं है, 10-5 विधायकों के का अंतर है। सिद्धरमैया के साथ अगर 60-65 विधायक हैं तो डीके शिवकुमार के पास भी 50 विधायक हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा फासला है। उनके समर्थक भी हैं, उन्होंने भी चुनाव में बड़ी मेहनत की है। हिमाचल प्रदेश में स्थिति कुछ और थी, प्रतिभा सिंह उतनी मजबूत स्थिति में थी, लेकिन डीके शिवकुमार यहां पर मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है, उनको क्या देता है देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण आपका।